सो दोस्तों, अगर आप कभी भी पुरानी सीडी में से स्क्रैच सीडी में से डेटा कॉपी करने की ट्राई करते हैं और समटाइम्स आपका डेटा आप जैसे ही कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम तक तो डेटा आपका कॉपी होता है बट सडनली रुक जाता है, यहाँ पर जीरो बाइट दिखाता है, यानी कि स्क्रैच की वजह से यहाँ पर डेटा आपका कॉपी नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिकवर कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेटा को किसी भी पुरानी से पुरानी सीडी या फिर डीवीडी में से। और दोस्तों, अगर उसके अंदर स्क्रैच भी पड़ गए हैं तब भी आप उसके अंदर से डेटा अपना रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। आपको सिर्फ सिंपली टाइप करना है रिकवरी टूल बॉक्स फॉर सीडी। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट लिंक जो आपका आएगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का है, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर एक डाउनलोड बटन पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं उस डाउनलोड बटन पे, यहां पर हमारा एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों लॉन्च करते ही ये देखिए आपका सीडी जो है जो आपने इंस्टॉल करी हुई है वो इसे डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर उसका टोटल साइज दिखा रहा है। अभी आपसे पूछा कि जो आपका डेटा है वो कहाँ पर आपको रिकवर करना है, वो फोल्डर आप सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली इस नेक्स्ट करने के बाद अब आपको फाइल्स सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी फाइलें आपको सीडी में से रिकवर करनी है। तो यहाँ पर मैं तीनों फाइलें सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा उसके बाद सिंपली मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ पर सारा डेटा जो है वो धीरे धीरे कॉपी होना स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन दोस्तों ये सारा डेटा बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सारा डेटा रिकवर कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यही थी कुछ कमाल की टिप्स जिससे आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय फॉर नाउ, सी नेक्स्ट टाइम।